जिनके वशीभूत आप यहां बैठे हैं आदर के साथ नमन करते हुए। अवसाद से आह्लाद की ओर की यात्रा का नाम योग है। जो व्यक्ति के भ्रम भय चिंता उन्माद व्यग्रता विकलता और अभाव का भंजन करे उस उपक्रम का नाम योग है। जो व्यक्ति को निश्चिंतता निर्द्वंदता निर्भरता आह्लादता आनंदता और अजेयता प्रदान करे ऐसी उस विधा का नाम योग है, जिसमें व्यक्ति जुड़ता है स्वयं से तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौट कर आता है और एक ऐसी अवस्था और वो अलग 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 मार्केटिंग की जा रही है। किड्स कॉर्नर खड़े किए जा रहे हैं युवाओं के लिए तरुणों के लिए किशोरों के लिए प्रौढ़ों के लिए वृद्धों के लिए और ये बताया जा रहा है कि चुटकी में दर्द भागेगा आप दौड़ेंगे आपकी प्रौढ़ता खो जाएगी सौंदर्य आपके पास आएगा। सच मानिए सौंदर्य बेचा जा रहा है स्वास्थ्य के प्रति का आकर्षण पैदा किया जा रहा है। 50-60 साल पहले हम सड़क पर नहीं चल सकते थे हम काले थे असभ्य थे अशिष्ट थे शिमला के माल रोड पर हम चल नहीं सकते थे और कुछ दिनों के बाद हमारी बहू बेटियां इन्हें सुंदर दिखने लगी। कुछ दिन पहले हमें विश्व सुंदरियों के खिताब मिले। नहीं नहीं हमारी पुत्रियां आपको सुंदर नहीं दिखी हमें हमारा बाजार आपको सुंदर दिखा। आपको ऐसा लगा कि यहां एक बहुत बड़ा बाजार है और उस बाजार में कैसे पैठ की जाए उस बाजार में कैसे घुसा जाए। मैं बहुत ही विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं कि पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज ने एक बाजार खड़ा किया है जहां पर नकल नहीं है जहां स्वाभिमान है व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना जगाई जा रही है। पवित्रता है परम शुद्धता है परम क्वालिटी है परम पहुंचे और अगर इसके पास पहुंचेगा तो सारी व्याधियों का नाश होगा। उस एक प्रकार की चीज से तात्कालिक लाभ मिल सकता है तात्कालिक लाभ पर मानसिक द्वंद उन्माद भय भीतर की जिसे कहना चाहिए निराशा उस पर प्रहार करने के लिए न वो औषधियां हैं न वो पदार्थ हैं न वैसी वो संस्कृति है। मैं इस पर एक कभी सीरियस लेक्चर देना चाहूंगा पूरा क्योंकि इस पर लगभग 30-40 मेरे शोध पत्र हैं कि ब्रांड कब विकसित हुआ 90 से लेकर आज तक के इस दौर में कि जब 20 साल होने को जा रहे हैं किस तरह से बाजार पसर गया है शीत युद्ध जा रहा है। अब 90 के दशक से लेकर अब तक वो 21वीं सदी में जिसने दस्तक दी है वो दस्तक सूचना की तकनीक के द्वारा संचार की क्रांति के द्वारा विज्ञापन ने पदार्थ ने दस्तक दी है और उससे कैसे लाभ कमाया जाए। पूज्य स्वामी जी महाराज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल काला धनी इस देश में वापस ना आए बल्कि वो बाजार भी हम वापस लेकर आएंगे जो बाजार कभी मैनचेस्टर में था जो बाजार कभी यूरोप में था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारा कपड़ा था और उस पर मार्क लगाया जाता था मार्क हमारा कपड़ा उस पर मार्क लगाकर यहां भेजा जाता था और उसका नाम मार्किन। एक्चुअली वो कपड़ा नहीं था व्यापारी आप में से बहुत लोग बैठे कपड़ा हमारा था हमारे कपड़े पर मार्क लगाया गया उसे कहा गया मार्किन मार्किन कपड़ा। सच में ये कपड़ा हमारा था खाली वहां की मोहर थी जिसे मार्किन कहकर बेचा गया। मेरे पास में 3 ऐसे अभी भी उस समय के अखबारों की कटिंग रखी है कि हमारे यहां का कपड़ा पहना जाए हमारे यहां की औषधि ली जाए हमारे यहां शल्य क्रिया कराई जाए और यहां पर जीवन जिया जाए। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता मैं करोड़ों दर्शकों को और आपको यह कहना चाहता हूं कि पदार्थ के आकर्षण तिलस्मी तंत्र सम्मोहन में और किसी भ्रम में न आना भारत के स्वाभिमान इस आंदोलन में जुड़ जाना हम इस देश के कपाल पर इस देश के भल पर भारत माता के मस्तक पर सम्मान और स्वाभिमान की बिंदिया लगाकर इसे मुक्त करना चाहते हैं। देश अभी आजाद नहीं हुआ है
हम इस देश को मुक्त करना चाहेंगे। भारत माता अभी भी पीढ़ियां हैं, बाहर से वो दिखती होगी वैसी, लेकिन आज भी हम आजाद नहीं हैं। हमें फिर से स्वायत्तता, स्वतंत्रता, निजता और अपने गौरव को अर्जित करना है। और पूज्य स्वामी जी के इस अभियान में गिलहरी की तरह से मैं भी उनके साथ में। मंचस्थ विभूतियों को और आपको प्रणाम करते हुए, ये ब्रांड, उपभोक्ता और किस तरीके से पदार्थों का तिलस्म टूट सकता है, इस पर कुछ बातें मैं निश्चित रूप से कभी आपके साथ बांटना चाहूंगा। कुंभ के अवसर पर यहां से अमृत की बात ये कहते हुए कि वचनामृत, प्रेमामृत और चरणामृत और भैया अधरामृत। एक माता कभी कभी चुम्बन रख देती है उस बालक के माथे पर जो ज्वर से पीड़ित है, तो उसका नाम है अधरामृत। गुरुजनों के, अतिथि अभ्यागत के पैर धो लो, उसका नाम है चरणामृत। एक और शब्द है वचनामृत, ज्ञानामृत। तो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज यहां से वचनामृत और ज्ञानामृत भेज रहे हैं, कुंभ से ये अमृत आपको प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ योग शिविर में आए आप सभी शिविरार्थियों को मेरे पुनः प्रणाम। पूज्य महाराज ने थोड़े से वक्त में इतना विराट चिंतन हमको दिया है। पूज्य महाराज श्री को राम कथा, भागवत कथा करते हुए बहुत सुना है, लेकिन यह जो विषय है युग धर्म, जो कह रहा है कि भगवान राम और कृष्ण के चरित्र कब पैदा होंगे, जब ये उपभोक्तावादी संस्कृति परास्त होगी। महाराज जी पूरे विश्व में भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन आज मैं देख रहा था अब ये अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद के इस शंखनाद के द्वारा उपभोक्तावाद की अपसंस्कृति भी निश्चित रूप से पराजित होगी। पूज्य महाराज श्री ने जो विदेशी ब्रांड और उसको प्रचारित करने के लिए जो कृत्रिम तृष्णा, जो भूख पैदा की जा रही है और उसके द्वारा दुनिया को एक बाजार समझा जा रहा है, उसके स्थान पर उसको हम एक परिवार समझ के योग के द्वारा वह सेवा करें। वो भोग की वस्तु नहीं है संसार, ये योग, योग है का संयोग है ये पूरा संसार, ये भगवान का शरीर है, ये सीता रूपी प्रकृति भोग्या नहीं है, ये स्तनपान करने के लिए महाराज जी ने कितना सुंदर अंत में कि हम इस प्रकृति का भी स्तनपान करें, इसका अधरामृत का पान करें। और इतने कम समय में इस महाराज जी ने, और जो मैं विज्ञापन के लिए कई बार कई प्रकार की बातें कहा करता था कि विज्ञापन जो है कृत्रिम भूख पैदा करता है, वहां सत्य का नामोनिशान नहीं होता, आज जो महाराज जी ने उदाहरण दिया उसने तो मुझे भीतर तक आह्लादित कर दिया। जो नरक के विज्ञापन का उदाहरण था वो तो इतना अंदर को, दिल को छूने वाला था, अभिभूत किया महाराज जी ने हम सबको। और जो अभी 600 जिलों में जो संगठन के विस्तार का काम चल रहा है, दैवी शक्ति को प्रतिष्ठापित करने का, और उसमें हम चाहेंगे बहुत जल्दी ही पूज्य महाराज श्री का कि यह देश अभी आजाद नहीं हुआ है, अभी तो गुलामी की बहुत सी जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, बहुत जल्दी ही पूज्य महाराज श्री का पतंजलि योगपीठ से एक विशेष उद्बोधन भी विश्ववासियों के लिए हम जरूर प्रदान करवाएंगे। महाराज श्री को आज ही आमंत्रण दे रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि यदि हम 3-4-5 करोड़ लोगों को एक जगह इकट्ठा करें, हो करना मुश्किल, और उसके लिए कितना ट्रांसपोर्टेशन, कितना व्यय, कितना कितनी व्यवस्थाएं, वो सब नहीं हो सकते। आस्था इसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बना है कि लोगों को ना ट्रांसपोर्टेशन करना, अपने घर में रहना है, ना उनको इस जगह व्यवस्था, कोई साउंड सिस्टम, टेंट, ये वो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, लोगों ने टीवी की बहुत निंदा की, हम भी उसमें से एक बहुत बड़े निंदक थे, टीवी के आलोचक थे, लेकिन इस दूरदर्शन ने निश्चित रूप से, जहां ये तो हमारा ये डायरेक्ट एजुकेशन था ना, इसको डिस्टेंस एजुकेशन में, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के साथ साथ परोक्ष ज्ञान के संप्रेषण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये करोड़ों लोगों तक आज जो महाराज जी ने संदेश दिया है कुंभ के मेले पर,
यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संदेश था आज महाराज श्री का, उनको बहुत बहुत प्रणाम वंदन करते हैं। और अभी और कुछ संदेश हमारे पूज्य संतों के द्वारा, महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनंद जी महाराज हमारे बीच में है, पूज्य महाराज श्री को प्रस्थान करना है, दोबारा से आमंत्रण हम इनको प्रदान कर रहे हैं। एक बार भावपूर्ण हृदय से पूज्य महाराज श्री का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। और पूज्य महाराज श्री ने कहा कि इस भारत स्वाभिमान में गिलहरी वाला नहीं, इनका तो हनुमान जी वाला रोल रहेगा, बड़े भाई जी वाला रोल रहेगा, महाराज श्री का तो बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस पूरे आंदोलन में। मैं परम श्रद्धे पूज्य स्वामी हरिचेतनंद जी महाराज जी से कहूंगा, आज बहुत ही पावन दिन है और मैंने कहा एक ये जो कुंभ है ना वो मंथन और चिंतन का केंद्र है और यहां से भारतीय